नमस्कार, मैं हूं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। भीमपुरा पुलिस द्वारा पकड़े गए मुर्गी फार्म संचालक चंद्रभान चौहान के हत्यारे, खबर जनपद बलिया से। पुलिस अधीक्षक राजकरण नायर के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी के सफल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में थाना अध्यक्ष भीमपुरा राम सजन नागर के नेतृत्व में भीमपुरा पुलिस और एसओजी को बरौली नहर पुलिया के पास से मुखबिर की सूचना पर 8 नफर अभियुक्तों में से 6 को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। सर, थाना भीमपुरा अंतर्गत 25/10/22 को हुई घटना के संबंध में आज दिनांक भीमपुरा पुलिस द्वारा घटना का अनावरण किया गया, उसके संबंध में कुछ जानकारी मिली। दिनांक 25/10/22 को थाना भीमपुरा के लगवरा गांव में एक व्यक्ति अपने मुर्गा फार्म हाउस पर लेटे हुए थे, जिनको कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गंभीर चोट पहुँचाई गई थी। घटना के बाद तत्काल भीमपुरा की पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। इस घटना के अनावरण के लिए क्राइम ब्रांच और भीमपुरा की टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगाया गया था। दौरान इलाज चुटहिल व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद में विवेचना में सुसंगत धाराओं में तरमीम करते हुए घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। उस प्रयास के क्रम में भीमपुरा पुलिस और क्राइम ब्रांच को सफलता मिल गई है, घटना का अनावरण कर लिया गया है। घटना के कारण के संबंध में जानकारी यह प्राप्त हुई है कि मृतक और उसके चचेरे भाई के बीच में संपत्ति का विवाद था, जिसको लेकर के उसके चचेरे भाई ने मृतक की हत्या की साजिश अपने दोस्तों के साथ मिलकर के रची और उन्होंने उक्त घटना को अंजाम दिया। इस घटना में शामिल लोगों में से कुल मृतक के चचेरे भाई सहित 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी शेष है। जो गिरफ्तार हुए हैं उन्हें माननीय न्यायालय के सम्मुख रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। ज्ञात हो कि विगत 25 अक्टूबर को चंद्रभान चौहान मृतक को मुर्गी फार्म पर सोते समय अज्ञात हमलावरों ने लाठी डंडे से मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया था। बाद में वाराणसी में इलाज के दौरान चंद्रभान की मौत हो गई थी। गिरफ्तार अभियुक्तों में रजनीश चौहान पुत्र रामफल चौहान, विनीत भारती पुत्र विजय प्रकाश, दोनों निवासी खैरा मोहम्मदपुर थाना घोसी जनपद मऊ, अंकुर चौहान पुत्र लालू चौहान निवासी फतेहपुर तालचनवर थाना मधुबन जनपद मऊ, गौरव चौहान उर्फ बजरंगी पुत्र सुरेंद्र चौहान, विराट चौहान पुत्र हरेंद्र चौहान, सुमित चौहान उर्फ विजय पुत्र सूर्यभान चौहान, तीनों निवासी लखबरा थाना भीमपुरा जनपद बलिया को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में निरुद्ध कर माननीय न्यायालय जेल भेज दिया गया है। जबकि 2 अभियुक्त मुकेश राय पुत्र गुलाब राय निवासी खैरा मोहम्मदपुर थाना घोसी मऊ और अमितेश चौहान पुत्र ब्रिजभान चौहान निवासी फतेहपुर तालचनवर थाना मधुबन की गिरफ्तारी होनी बाकी है। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाठी डंडा सहित 6 अदद मोबाइल, 2 बाइक, 1 कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 2 चाकू बरामद किए गए। घटना में शामिल गौरव चौहान चंद्रभान का चचेरा भाई ही मुख्य साजिश करता है। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट।